नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं आपके साथ तरन्नुम। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। परमाणु शिमला फोरलैन लोगों के लिए जी का जंजाल बन चुका है। जी हां, परमाणु शिमला फोरलैन का कार्य कुछ ही गति से चल रहा है और आपको बताते चलिए कछुए गति से काम चल रहा है और समय अवधि पूरी होने के बावजूद भी फोरलैन का निर्माण पूरी नहीं की गई है और ऊपर से सड़क की गुणवत्ता भी निम्न स्तर की है और कई स्थानों पर तीखे मोड़ हादसे का बड़ा कारण है। और आपको बताते चले कि ट्रक गाड़ी पर जाकर पलट गई है और जिसमें कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद कार सवार की जान बचाई गई है। तो वही इस फोरलेन निर्माण में अब वैज्ञानिक डंपिंग से लोगों को हर वर्ष नुकसान झेलना पड़ रहा है और अवैज्ञानिक कटिंग से लोगों के आशियाने प्रति साल उजड़ रहे हैं। निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है लेकिन टोल प्लाजा शुरू करके कंपनी मोटी चांदी जरूर लूट रही है। ना तो हिमाचल सरकार बिल्ली के गले में घंटी बांधने का साहस जुटा रही है जिससे आम जन परेशान हैं और हादसों के बीच इन निम्न स्तर के फोरलेन में चलने को लोग मजबूर हो चुके हैं। तो कई स्थानों पर तीखे मोड़ बने हुए हैं और ऐसे में तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से देर रात एक बड़ा हादसा हुआ है। और आपको बता दें कि हालांकि स्थानीय पुलिस की टीम जो है वो मौके पर ज़रूर पहुँची, रेस्क्यू किया गया और कड़ी मशक्कत के बाद इंसान को बाहर निकाला गया है। तो यहाँ पर जिस तरीके से फोर लेन का काम चल रहा है और इसकी वजह से आए दिन इस तरह के हादसे होते रहते हैं तो समय अवधि पूरे होने के बावजूद भी फोर लेन निर्माण अधूरा पड़ा हुआ है। 6:30 के आसपास हमारे को इन्फॉर्मेशन आई थी कि यहाँ तपन हाईवे के पास एक ट्रॉला जो है पलट गया है और उसके नीचे जो है एक आदमी फंसे हुआ है। फटाफट हमारी पुलिस की टीम और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, उसमें फायर सर्विसेज, होमगार्ड और लोकल पब्लिक के सहयोग से हमने जस्ट अभी ही जो है जो गाड़ी ट्रॉले के नीचे गाड़ी थी, गाड़ी बिल्कुल दब गई थी तो उसके अंदर एक आदमी थे जिनका नाम गुरजिंदर सिंह है जो कि चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, उनको अभी रेस्क्यू कर दिया और एम्बुलेंस में हॉस्पिटल भिजवा दिया है। सर, जो गुरजिंदर जी ने जो कार थी ये शिमला की ओर से आ रही थी कि यहीं पर खड़ी थी? हाँ, इनिशियली तो अभी यही लग रहा कि शिमला की ओर से आ रहे थे, बाकी जो सारा कुछ है इन्वेस्टिगेशन में सारा सामने आया। जो टैंकर के चालक है उनके खिलाफ क्या मुकदमा? हाँ, इसमें जो मुकदमा दर्ज होगा, अभी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके गलती किसी ने किया था जो किया तो उसमें रात एवं बचाव कार्य में स्थानीय लोगों का काफी सहयोग मिला है, जिस तरह से मेहनत की है। स्थानीय लोगों का सहयोग सबसे सर्वोपरि है। पुलिस ने, स्थानीय लोगों ने, होमगार्ड, फायर सर्विसेज ने, सभी ने जो है इसमें अपनी भूमिका निभाई है और इसी करके जो है इनको प्रॉपरली रेस्क्यू किया गया है और इनके जो है पाँव में और थोड़ा सा जो मेरे को लग रहा है कि उसमें चोटें आई है, बाकी उनकी अपर बॉडी आई थिंक सेफ है। तो भगवान से ही उम्मीद है कि जल्दी से सर ट्रक का चालक कहाँ है कि मौके से फरार है कि ये अभी सब वेरीफाई कर रहे हैं, ये मेरी बात होनी है तो उसके बाद में आपको बता रहा हूँ। चलिए, तो हमारे साथ सहयोगी अनुराग जुड़ चुके हैं। अनुराग, अक्सर हम इस तरह की तस्वीरें देखते हैं और ऐसे में अभी फिलहाल जिस तरीके से हादसा हुआ ताजा अपडेट दीजिएगा और प्रशासन किस तरह से एक्शन ले रही है वो भी तफसील से बताइएगा। देखिए तमन्ना, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर हम कहें कि ये आए दिन जो है ये हादसे जो है लगातार होते जा रहे हैं, कोई ना कोई कोई मृत्यु का ग्रास बनता है, किसी की नुकसान होता है। अभी पीछे भी ऐसा हो चुका है, कम से कम लगातार पिछले एक सालों से ऐसा चल रहा है कि जबकि उनकी समय सीमा खत्म हो चुकी है फोर लेन निर्माण की अगर हम बात करें, परंतु उसके बावजूद जो है तमन्ना ये आज भी ये रोड नहीं बना, जिसकी वजह से कहीं पर वो फोर लेन हो जाता है, कहीं पर जाकर वो सिंगल लेन हो जाता है, जिसकी वजह से आए दिन ये जो हादसे हैं वो दिखते हैं। हालांकि इस अगर हम सिर्फ पिछले आज कल के जो प्रकरण है उसके विषय में बात करें तो इसमें यह था कि उस व्यक्ति को बचा लिया गया 2.5 घंटे की पूरी मुशक्कत के बाद, जिसमें हमें पुलिस का भी बहुत सहयोग मिला, आम जनता ने बहुत सहयोग किया, आपने ये सुना भी होगा, होमगार्ड का बहुत काम था। परंतु सबसे बड़ी बात जो है इसमें जानने वाली कि पुलिस प्रशासन के पास किसी भी तरह की अपनी फैसिलिटीज नहीं थी, जिसकी वजह से ये जो कार्य था जो 1 घंटे में होना था वो 2.5 घंटे में हुआ। तमन्ना, 6:30 बजे का ये हादसा था जबकि ये 8:30 बजे तक इसको रेस्क्यू किया गया, क्योंकि सामान जो था ये इस तरह की आए दिन समस्याएं जो हैं वो आ रही हैं। रोड निर्माण की बात करें, अगर हम टोल की बात करें, हिमाचल में एंटर करने का ये एकमात्र रोड जो है इसको फोर लेन बनाया जा रहा है शिमला तक जोड़ने के लिए,
और अगर हम इसकी बात करें, इसमें टोल जो है वो सबसे ज्यादा अमाउंट का यहाँ पर लिया जाता है। हालांकि चंडीगढ़ का जो एक टोल है उसका भी उसके आधे रेट्स पे वो लोग करते हैं, परंतु निर्माण कार्य आज तक पूरा नहीं हुआ, जिसकी वजह से एनएचएआई की इन गलतियों की वजह से, इन खामियों की वजह से जो है आम जनता का जान माल को जो है दिन प्रतिदिन नुकसान होता जा रहा है। जी तमन्ना, अनुराग, और जिस तरीके से आप खुद बता रहे हैं और तस्वीरें भी हम लगातार देख रहे हैं कि फिलहाल फोर लेन का काम अभी भी अधूरा पड़ा हुआ, आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? अधिकारी क्या यहाँ पर दलीलें पेश कर रहे हैं? देखिए तमन्ना, ये लगातार दो साल पहले ये रोड जो है ये हो जाना चाहिए था, परंतु अभी तक भी जो है ये निर्माण कार्य जो आगे 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 बढ़ता जा रहा है। बीच में एक जगह हमारे यहाँ पर सोलन में ही एक पहले बड़ा, बहुत बड़ा एक पीस था जो एनएचएआई का, वो गिर गया था। आज भी वो सुरंग जो है, जिसकी एकमात्र सुरंग जो है वो बनाती थी, जिसकी वजह से 4 किलोमीटर का गैप कम होता था, वो आज तक बंद पड़ी है। और निर्माण कार्य जो है वो स्लो है, जिसके विषय में हमने जब भी हमने एसडीएम से बात की या और एनएचएआई के अधिकारियों से बात की, तो उन लोगों का ये है कि पहाड़ी रीजन होने की वजह से जो समस्याएं ज्यादा आती हैं। मैं मानता हूं इस बात को, ये सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं इस तरह की समस्याएं होती हैं, परंतु जितना डिले करते जाएंगे उतना कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी बढ़ता जाएगा, आम जनता की सहूलियत जो है वो भी खराब हो रही है, और इसी तरह से जो हादसे आए दिन आ रहे हैं तमन्ना, वो भी बढ़ रहे हैं। जी अनुराग, लगातार हमने वो बैठकों का दौर भी देखा जहां पर तमाम अधिकारी जो बैठकें कर रहे थे कि किस तरीके से इस काम को जल्दी कंप्लीट करना है, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं ये देरी देखने को मिल रही है, और यही कारण है कि आज इस तरह की तस्वीरें हमें देखने को मिली है। ऐसे में प्रशासन इस पर अब क्या एक्शन लेगा, क्या काम में अब आगे गति आ सकती है हम कह सकते हैं? जी तमन्ना, देखिए उम्मीद बिल्कुल बरकरार है, हम भी ये चाहते हैं कि ये रोड जो है बिल्कुल जल्द से जल्द निर्माण हो, ताकि इस तरह की समस्याएं और हादसे जो हैं वो आम जनता के सामने ना आए। परंतु अभी तक भी चुलमुल रवैये के कारण, सिर्फ ये ढुलमुल रवैया कहूंगा मैं इस बात को, कि प्रशासन भी अनदेखी कर रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इस तरह की समस्याएं और हादसे जो हैं, ये हर महीने में लगातार एक या दो हादसे हमेशा इस रोड पर हो जाते हैं, सिर्फ इन्हीं की, एनएचएआई की गति अवरोध के और दूसरी चीजों की, कहीं लैंडस्लाइड हो जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, और रिपेयर करने में उनका इतना लंबा टाइम लग रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये हादसों में बढ़ोतरी हो रही है। अनुराग, ऐसे में आपके सूत्र क्या बता रहे हैं अनुराग, अभी और कितना समय लग सकता है इन तमाम चीजों में? देखिए तमन्ना, अगर हम बात करें, वैसे तो इन लोगों ने, तो आप ये देखिए कि इन्होंने टोल, जो मैं आपको बता रहा था कि टोल चार्ज करना शुरू कर दिया, और टोल तभी चार्ज किया जाता है जब वो रोड कंप्लीट हो जाता है, और उसके बावजूद भी जो है ये आज तक रोड जो है वो निर्माण कार्य के अंदर ही चल रहा है, अभी भी ये काम पूरा नहीं हो पाया है। हमारी जबकि बात हुई है इनके जो यहाँ के जो प्रोजेक्ट के अधिकारी हैं उनसे भी बात हुई, तो उन्होंने कहा है कि लगभग आने वाले 6 महीनों में ये जो है ये रोड का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। अनुराग, यही बड़ी बात यही है अनुराग, कि अभी तक काम पूरा नहीं किया गया है, लेकिन टोल वसूला जा रहा है, और कहीं ना कहीं नाराजगी जो है अनुराग लोगों में भी देखने को मिल रहा है, और एक बड़ी लापरवाही भी देखने को मिल रही है। बिल्कुल तमन्ना, बिल्कुल ये सही बात कहा आपने, क्योंकि जिस तरह से नाराजगी जो ये, इसी कारण सिर्फ यही नहीं है, पैसा देना आम जनता को कोई मना नहीं है, परंतु समस्या ये है कि काम, जिस चीज का पैसा आप चार्ज कर रहे हैं आम जनता से, उस कार्य को पूरा भी करना चाहिए, और वो ठेकेदार और दूसरे सभी की जो है ये अनदेखी के चलते इस तरह की जो समस्याएं हैं वो हमें सामने रोज दिन ब दिन हमारे को दिखाई देती है। जी तमन्ना, अनुराग, जब आपके अधिकारियों से बातचीत हुई है तो अधिकारियों का क्या कुछ कहना रहा है, क्योंकि कल भी हमने देखा कि किस तरीके से एक बड़ा हादसा हुआ, देर रात की पूरी घटना रही, हालांकि पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद अनुराग युवक को बाहर निकाला गया, फिलहाल उस युवक की स्थिति क्या है? हाँ तमन्ना, मैं आपको ये बिल्कुल बताना चाहूंगा, तमन्ना वो जो आदमी है जिसका, गुरविंदर जो मोहाली का रहने वाला है, वो व्यक्ति, उसे सुरक्षित निकाल लिया गया, परंतु 2.5 घंटे तक वो उस गाड़ी के अंदर फंसा रहा। उसकी कारण ये था कि हमारे प्रशासन के पास, पुलिस के पास उस वक्त कोई भी ऐसा सामान जिसके रेस्क्यू करने के लिए जो माना जाता है, प्रशासन के पास वो सुविधाएं ही नहीं है, हर चीज को उन्हें किराए पर लेना पड़ा, किराए पर सारी गाड़ियां आई, क्रेन्स आई। आप ये भी देखिए कि एनएचआई का उसी के साथ में हार्डली 200 मीटर के वहां पर निर्माण कार्य चल रहा है, और वो डंगा जो है वो लगाया जा रहा है, जहां से वो गिर गया था वो बड़े लंबे समय से कम लगभग 1 साल हो चुका तमन्ना, जो आज भी अधूरा पड़ा है, आज भी वो बड़ा धीरे धीरे चल रहा है। पुलिस प्रशासन की बात करें, पुलिस अगर व्यक्ति विशेष व्यक्ति के तौर पर बात करें, पुलिस अपने तौर पर काम करती है, होमगार्ड अपने तौर पर काम करता है, परंतु जब सुविधाओं की कमी होती है
तो ये जो समस्याएं हैं वो अगर एक घंटे का काम है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। इस तरह की समस्याओं से किसी, अगर ये तो परमात्मा का शुक्र है तमन्ना कि उस आदमी को ज्यादा गंभीर चोटें नहीं आई, अगर उसकी स्थिति खराब होती और 2.5 घंटे का इंतजार होता तो। लेकिन अनुराग, यहाँ पे प्रशासन की भी एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि सामान उपलब्ध नहीं थे, भाड़े पे सामान लाना पड़ा, आखिर ऐसा क्यों है, इस तरह की तस्वीरें क्यों, अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता उससे पहले प्रशासन अलर्ट क्यों नहीं है? देखिए मैं आपको एक बड़ी हैरानी की बात बताऊंगा, हम जिस जगह पर रह रहे हैं यहाँ पर पुलिस विभाग के पास अपनी टो वैन तक नहीं है, अगर टो वैन है तो वो खराब है। आज तक भी लोगों की जो गाड़ियां हैं, अगर जो नो पार्किंग जोन में जो गाड़ियां लगा देते हैं उसके बावजूद उनको गाड़ी उठाने के लिए उनके पास कोई सुविधा नहीं है, भले ही वो गाड़ी किसी की भी हो कैसी भी हो उसे नहीं उठाया जा सकता क्योंकि उनके पास कोई सुविधा। ऐसे लगातार हमारे साथ अभी कुछ दिन पहले भी मामला आया, पुलिस चलान कर देती है, चलान के बाद गाड़ी अगर हटानी है और उस रोड को, अवरुद्ध रोड को खोलना है तो वो नहीं खोल पाते, उसके लिए उन्हें दोबारा वो जो है वो हायर करना पड़ता है। इसमें कहीं ना कहीं ऐसा कह सकते हैं कि प्रशासन के पास पता नहीं पैसा नहीं है या आम जनता इस बात को क्यों नहीं समझ पा रही, मतलब पुलिस प्रशासन या प्रशासन जो है वो क्यों नहीं समझ पा रहा कि आम जनता को कितनी तरह की समस्याएं जो है वो इनकी छोटी छोटी कमियों की वजह से झेल। अनुराग, लेके सामान नहीं है, भाड़े पर हम सामान लेकर आ रहे हैं, पुलिस की भी यहाँ पर बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही, प्रशासन की बड़ी लापरवाही, लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही, आखिर इसके पीछे का कारण क्या? जब आपने अधिकारियों से बातचीत की तो उन्होंने क्या तर्क दिया है कि क्यों उनके पास सामान उपलब्ध नहीं है, क्या कोई बड़े हादसे के इंतजार में बैठे हुए हैं? जी बिल्कुल तमन्ना, हमने जबकि मैं तो पिछले कल जब हमारी बात हुई तो उन्होंने हमें ये बताया कि हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, परंतु जब हमने मौके पर कल हमने जब सुविधाएं को देखा या पता लगा हमें तो हमें ये पता लगा कि एक गाड़ी को बुलवाने के लिए पुलिस, क्योंकि उस गाड़ी से आदमी को निकालने के लिए जो सामान की जरूरत थी वो पुलिस प्रशासन के पास नहीं थी। वही बात अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें जो NHAI का प्रोजेक्ट है, उनकी इतनी बड़ी साइट चल रही है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, उनके पास किसी भी तरह की ऐसी सुविधा नहीं है कि जिससे कभी ऐसा कोई हादसा हो जाए तो उसको उसे रेस्क्यू किया जा सके। फिर भी अभी भी जो है ये लगातार समस्याएं डे बाय डे रोज आ रही है, पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से मेहनत कर रही है परंतु अगर चीजों का या समय का मतलब सामान का अभाव होगा तो उस अभाव को कैसे पूरा किया जा सकता है, ये बताएं। जी तमन्ना, बिल्कुल अनुराग, और ऐसे में जब आपने NHAI के अधिकारियों से बातचीत की तो क्या कहना रहा, अभी भी वही रवैया देखने को मिल रहे हैं कि इस हादसे के बाद उनकी नींद खुली है और अब काम में तेजी आ सकती है? देखिए तमन्ना, इस तरह की जो समस्याएं हैं कभी भी प्रशासन या अधिकारी या NHAI के अधिकारी की बात करें कभी भी इस तरह से वो कभी मना नहीं करते कि काम नहीं हो रहा है, उनकी तरफ से अपने एक जेन्युइन रीजंस दिए जाते हैं कि हमारा ये काम हो रहा है, ये काम हो रहा है, हम इस तरह से इसको डेवलप कर रहे हैं, अभी हमने परमाणु का जो है हमने वो बना लिया है, पुल जो था पुल निर्माण अभी कुछ 4-5 महीने पहले हुआ है, अभी सुरंग जो है वो अधूरी पड़ी है, बीच में बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां पर 4 लेन की बजाय वो सिंगल लेन पे हो जाता है, जिसकी वजह से जो ये जो हादसा जो पिछले कल की बात करें अगर हम तो वो हादसा भी इसी के चलते हुआ, क्योंकि अगर वो 4 लेन में होता वो अनियंत्रित भी हो जाती तो अपनी लेन में रहती। इधर से जो शिमला से चंडीगढ़ को जा रहा था वो आदमी को एटलीस्ट वो परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, परंतु जिस वजह से वो सिंगल लेन थी और इधर से सामने से गाड़ी आ रही थी, सामने से गाड़ी जा रही थी, उसकी वजह से जो नुकसान हुआ वो गाड़ी का इसीलिए हुआ क्योंकि वो सिंगल लेन पे चल रही थी, मतलब टू लेन पे चल रही थी बजाय की 4 लेन के, अगर 4 लेन में होती तो ये समस्या शायद ना आती। अनुराग, ये 4 लेन जनता की सहूलियत के लिए ही बनाया जा रहा है कि आने वाले समय में जनता को राहत मिल सके, लेकिन आज यही जी का जंजाल बनी हुई है। जी बिल्कुल तमन्ना, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, ये आम जनता के लिए शिमला से चंडीगढ़ जाने वाले लोग या चंडीगढ़ से शिमला आने वाले लोगों के लिए ये सच में जी का जंजाल बना हुआ है। देखते हैं प्रशासन अब कितना इस समय में कितना और समय लगाता है, इस बारे में हम आपको नेक्स्ट उसमें अपडेट करते रहेंगे। ठीक अनुराग, आप